हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वाचिंग मधुबन बी के इंग्लिश क्लासेस। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मधुबन बी के इंग्लिश क्लासेस में। आज बहुत लंबे समय के बाद फिर मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था। कुछ व्यस्तता की वजह से कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आप लोगों को अब जो है कुछ एक दो दिनों के बाद से वीडियोज नियमित रूप से मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है हमारा, वो देखिए एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उससे लिया गया है। हम इसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन जो है हमारा, देखिए कह रहा है इसमें हु हैज़ रिटन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, ये किसके द्वारा लिखा गया है ना। वी हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द पोएट। ओके, ऑप्शन ए इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी कमला दास, सी स्टेफन स्पेंडर, डी नन ऑफ दीज। इसमें राइट आंसर कौन होगा? ठीक है, हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, स्टेफन स्पेंडर, दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर, इसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्या कहता है। इन दिस पोएम स्टेफन स्पेंडर हैड सॉन द कंडीशन ऑफ ब्लैंक इन द सोसाइटी। इस पोएम में, यानी कि जो ये पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, उसमें स्टेफन स्पेंडर ने किसकी स्थिति को दिखाया है। ठीक है, कंडीशन जो है सोसाइटी में, यानी द पुअर एंड डाउन ट्रोडन, द रिच, द बैगर, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, इन दिस पोएम स्टेफन स्पेंडर हैड सॉन द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड डाउन ट्रोडन इन द सोसाइटी, यानी समाज में जो गरीब लोग हैं और जो दलित लोग हैं उनकी स्थिति को दिखाया गया। ठीक है, ये चीज़ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, देखिए स्टेफन स्पेंडर वांटेड दैट द पुअर एंड डाउन ट्रोडन शुड हैव इक्वल, देखिए ब्लैंक। अब क्या कह रहा है कि स्टेफन स्पेंडर जो थे वो चाहते थे कि पुअर और जो डाउन ट्रोडन थे, ठीक है, यानी गरीब लोग और जो दलित लोग हैं उन्हें, वो चाहते थे कि उन सबको भी सेम क्या मिले, मनी, स्टेटस, राइट्स, अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू द पोएम। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर अकॉर्डिंग टू द पोएम। याद रखिएगा, आपको पोएम के अनुसार पता करना है कि जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। हियर जो है, यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है। What is the theme of the poem An Elementary School Classroom in a Slum? ये जो poem है An Elementary School Classroom in a Slum, उस poem का theme क्या है? The poverty, social injustice and class inequalities, religion, none. तो इसमें बताइए आपका जो right answer होगा वो कौन होगा। तो here our right answer will be option B. Okay, ये option B जो है ना, ये right answer होगा, social injustice and class inequalities, ये होगा हमारा right answer। ठीक है, चलिए question number 5 देखते हैं। question number 5 क्या कहता है। The school children of slums present a very blank picture. क्या कहता है कि slum के जो, यानी slum school में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो कैसे picture दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें पता करना है। option A colorful, कलरलेस, पैथेटिक, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, पैथेटिक, यानी कि करुणाजनक स्थिति को दिखाया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेस दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यहाँ से आपको बताना है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये, ओके, ये लिया गया है कौन से पोएम से लिया गया है। कीपिंग क्वाइट से लिया गया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से लिया गया है, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है। हाउ डू द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन लुक, यानी कि बच्चों के चेहरे कैसे दिखते हैं। यहाँ जो स्लम के स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके चेहरे कैसे दिखते हैं, रेड, पेल, ग्रीन, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, पेल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर एट। देखिए क्वेश्चन एट क्या कहता है। द हेयर ऑफ द चिल्ड्रन लुक्स लाइक, यानी कि बच्चों के जो बाल हैं वो कैसा दिखता है, ये चीज़ आपको पता करना है। ठीक है, देखिए
रूटलेस वाइल्ड प्लांट्स की तरह, ड्राई लीव्स की तरह, फेडेड प्लांट्स की तरह? नन ऑफ दीज. तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. ओके, रूटलेस वाइल्ड प्लांट्स की तरह दिखता है ना. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आइज? ठीक है, ये आपको पता करना है, यहाँ बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेपर स्विमिंग बॉय. कहता है ना, जो लड़का जो है उसमें बताया गया है कि वो पेपर स्विमिंग है, यानी कि पेपर की तरह दिखता है ना, और उनकी आंखें जो है चूहों की भांति नज़र आ रहा है. ठीक है, तो वो चीज़ जो है इसका मतलब आपको पता करना है क्या है. ठीक है, द बॉय इज़ वेरी स्ट्रांग. इसका मतलब ये है कि बॉय जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है. द बॉय इज़ एक्सेप्शनली थीन, वीक एंड हंग्री. कि बच्चा जो है, यानी कि जो लड़का है, वो बहुत ज़्यादा थीन है, पतला है, दुबला है, कमजोर है, भूखा है. ये चीज़, द बॉय लुक्स लाइक अ रेड. नन ऑफ दिस. तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. वो बहुत ज़्यादा पतला है, कमजोर है और भूखा है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 10 क्या कहता है? व्हाट इज़ द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग? यानी कि जो स्टंटेड बॉय है वो क्या रिसाइट कर रहा है, क्या सुना रहा है? अ पोएम, अ सॉन्ग, फादर्स नाल्ड डिजीज? नन ऑफ दीज. तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. ओके, फादर्स नाल्ड डिजीज. इसे गर्नाल्ड नहीं पढ़ेंगे, नाल्ड. ठीक है, नाल्ड डिजीज पढ़ेंगे. ये गांठदार एक प्रकार का बीमारी कह सकते हैं, अपने पूर्वज का, फादर का जो है उसे ही वो रिसाइट कर रहा है. यानी रिसाइट मतलब कोई सुना नहीं रहा है, बस समझिए कि वो उनको जो बीमारी थी वही बीमारी इनमें बच्चों में भी आ गई है. ठीक है, वो चीज़ यहाँ दिखाया गया है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11. हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास? यानी जो धुंधला क्लास है उसके पीछे में कौन बैठा हुआ है? ठीक है, ये चीज आपको पता करना है. देखिए, ऑप्शन ए क्या कहता है? अ स्वीट यंग बॉय, ए वेरी शॉर्ट बॉय, अ ब्यूटिफुल गर्ल. नन ऑफ दीज. तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. ओके, अ स्वीट यंग बॉय अकॉर्डिंग टू द पोएम. ओके, आपको पोएम के अनुसार ही आंसर फाइंड आउट करना है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12. देखिए क्वेश्चन 12 क्या कहता है? व्हाट ड्रीम डज द बॉय हैव? यानी कि लड़के का क्या सपना है? अ बेटर टाइम, अ बैड टाइम, अ गुड स्कूल? नन ऑफ दीज. तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. ओके, अ बेटर टाइम. लड़का जो है वो सोचता है, यानी सपना देखता है अच्छे समय का, कि अच्छे समय आएंगे, अच्छे दिन हमारे भी आएंगे. ठीक है, ये चीज़ जो है वो देखता है सपने में, है ना, ऐसा सपना रखता है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स? यानी क्लासरूम के जो दीवार हैं उसका आपको कलर बताना है, कैसा है? रेड है, ग्रीन है, वाइट है, सावर क्रीम है? तो अकॉर्डिंग टू द पोएम. ओके, ये पोएम के अनुसार आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो कलर है वॉल्स का वो कैसा है, सावर क्रीम. ठीक है, सावर क्रीम है. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है. व्हाट डज द क्लासरूम वॉल हैव? ठीक है, क्लासरूम के वॉल में क्या है, दीवार पर जो है वो चीज़ बताना है आपको. पिक्चर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, पिक्चर ऑफ बिग बिल्डिंग्स, पिक्चर ऑफ शेक्सपियर बिल्डिंग विद डूम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज? नन ऑफ दिस. तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. ओके, ये होगा पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, यानी कि वहाँ जो शेक्सपियर है उसके तस्वीर लगे हैं, बिल्डिंग विद डॉम्स, गुंबज उसके साथ जो बिल्डिंग भवन बने हैं उनका तस्वीर है, वर्ल्ड मैप दुनिया का नक्शा है, वो चीज़ जो है ना, ब्यूटीफुल वैली, सुंदर घाटी, उन सबों का तस्वीर वहाँ टंगा हुआ है. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15. विच टू वर्ल्ड्स डज द पोएट हिंट एट? यानी कि कौन से दो दुनियाओं के बारे में पोएट जो है हिंट करते हैं. ठीक है, तो हेवन एंड हेल, वर्ल्ड्स फुल of wars, one world of poverty and another of richness? None of these. तो here our right answer will be option C. ये option C होगा. ठीक है, एक गरीबी वाला दुनिया जो है वो, और एक richness यानी कि अमीरी की दुनिया जो है, उन दोनों को दिखाया गया है. ठीक है, इस poem में. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है. What is the future of the children? यानी कि बच्चों का भविष्य क्या है, कैसा होगा उनका भविष्य, ये चीज़ बताना है. कैसा है? अनसर्टेन एंड ब्लीक, सर्टेन एंड फुल ऑफ सोरोज, फुल ऑफ हैप्पीनेस? नन ऑफ दीज. तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. ओके, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, उनका भविष्य जो है अनिश्चित है, कहाँ जाएगा पता नहीं, अंधकारमय है. ब्लीक वही अनिश्चित और अंधकारमय, यानी तो आंसर हमारा जो है ए होगा. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 17. व्हाट डू द चिल्ड्रन क्रेव फॉर? यानी बच्चे जो है वो किस चीज़ की लालसा रखते हैं, इच्छा करते हैं. क्रेव फॉर मीन्स लालसा रखना, इच्छा करना. ठीक है, मनी, फूड, ओपननेस, रिवर्स, कैप्स एंड स्टारी स्काइज? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ओपननेस. यानी उन्हें जो है क्या पसंद है, खुला जगह. ठीक है, खुला स्थान, नदियां पसंद है उन्हें, रिवर्स, कैप्स एंड स्टारी स्काइज, आकाश में तारे नजर आने चाहिए, वो सब चीज भी वो देखना चाहते हैं. ठीक है, उन्हें भी वो चीज पसंद है.
यानी कि नेचर के साथ वो भी रहना चाहता है, नेचर उन्हें भी पसंद है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन 18, हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज विकिड इन द पोएम। इस पोएम में विकिड यानी दुष्ट किसे दिखाया गया है, वर्णन किया गया है ना, शेक्सपियर को, स्टेफन स्पेंडर को, कमला दास को, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, हियर शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज विकिड। यहाँ जो है शेक्सपियर को विकिड दुष्ट के रूप में दिखाया गया है, पोएम में दिखाया गया, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो जो हमें पोएम में कहा गया वही हमें उसी के हिसाब से आंसर पिकअप करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, हाउ डू द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स लिव इन देयर हॉल्स। बच्चे जो हैं वो स्लम्स में, ठीक है, अपने हॉल्स में कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं उन्हें बताना है। लाइक रैट्स, लाइक कैट्स, लाइक स्नैक्स, लाइक रैबिट्स। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू द पोएम। ओके, पोएम के अनुसार है ना, उसमें बताया गया है कि वो जो है चूहों की भांति अपने बिल में रहते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, व्हाट थिंग्स डोमिनेट देयर लाइव्स। उनके लाइफ में क्या चीज़ जो है वो डोमिनेट करता है, प्रभुत्व जमाए रखा है। Fog and darkness, rain and storm, smoke and fog, none of these. तो here our right answer will be option A. Okay, fog and darkness. Fog क्या होता है, कुहासा होता है, ठीक है, धुंधलापन कह सकते हैं, अंधेरापन। वो जो है उनका लाइफ भी उसी तरह है, उन बच्चों का लाइफ अंधकारमय में है, यानी उनका भविष्य कहाँ जाएगा, क्या होगा, अनसर्टन है। ठीक है, ये चीज़ बताया गया। तो ये था हमारा आज का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब जो है आप लोगों को एक दो दिन बाद से, दो तीन दिन बाद और जो है वीडियोस मिलेंगे रेगुलर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, व्यस्तता के कारण मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी इसकी वजह से। लेकिन अब आप लोगों को यहाँ से नियमित रूप से वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और 9 से 12 के जितने भी स्टोरीज़ हैं, ठीक है, चैप्टर्स या पोएम हैं, उन सारे चैप्टर्स पर आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो बस आप इसमें बने रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए, लेकिन आपको अच्छा चीज़ मिलेगा, क्योंकि अच्छा चीज़ प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है ना। तो धैर्य रखिए, आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे वीडियोज इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।